पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाथों में मोमबत्ती लिए नर्म आंखों के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। हमने आज इसलिए कैंडल मार्च निकाला है कि पूरे देश के अंदर एक गम का माहौल है। गम का माहौल इसलिए है कि हमारे देश की सरहदों पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और गोपनीय तरीके से सुरंग बिछा दी गई। नेशनल हाईवे रोड पर हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं, हम उनको कैंडल जला करके श्रद्धांजलि देते हैं और इस बात के लिए श्रद्धांजलि देते हैं कि यह पहल कल शहीद के ऐतिहासिक तारीखी चौराहे से हुई है, लेकिन हम इसको पूरे देश में देखना चाहते हैं और दुनिया में देखना चाहते हैं। आज कश्मीर में पुलवामा में जो हमारी सीआरपीएफ के सैनिकों आतंकवादी हमले में 42 सैनिक अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 42 सैनिक मारे गए हैं और काफी मात्रा में घायल हुए हैं। इस आतंकी घटना की हम समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। सेम सेम। और जो हताहत हुए हैं उन सब के प्रति हम श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं और साथ ही साथ हम सरकार से ये मांग करते हैं, देश की सरकार से मांग करते हैं, देश की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वो सैनिक जो हमें सुरक्षित रखते हैं उनकी सुरक्षा ये हमारा परम धर्म है। इसके लिए हम पूरी तरीके से, हम हिंदुस्तानी हैं, पूरी तरीके से एक साथ हैं और हम सरकार से मांग करते हैं इस आतंकी हमले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हम लोग के पूरी तरीके से साथ हैं।